गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 7। सब्जेक्ट आपको सोशल साइंस है, क्लास आपकी 6th है और डेट है 16 अक्टूबर। स्टूडेंट्स, स्टीरियोटाइप्स क्या होता है? स्टीरियोटाइप्स पता है, जैसे ऐसे बोलते हैं कि लड़के तो रोते नहीं हैं और जो लड़कियां हैं उन्हीं को घर का काम करना होता है और जो खाना बनाना होता है वो लड़कियों को वही ज़्यादा अच्छा बनाती हैं। बॉयज़ डोंट क्राई, गर्ल्स आर गुड कुक, गर्ल्स शुड नो हाउस होल्ड वर्क नॉट स्टडीज़, यानी कि उनको ज़्यादा घर का काम ज़्यादा आना चाहिए, पढ़ाई तो कोई बात नहीं चल जाएगा, अगले घर जाना है, ऐसा बोलते हैं ना। पीपल फ्रॉम विलेज कैन नॉट स्पीक गुड लैंग्वेज, ऐसा बोला जाता है। पीपल विद डिसेबिलिटी नीड्स आवर एक्स्ट्रा केयर, कि जो लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा किसी भी तरीके से डिसेबल होते हैं, ठीक है, डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, तो वो उनको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। आर दिस सेंटेंसेस ट्रू? क्या ये जो सेंटेंसेस हैं ये ट्रू हैं? नो, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ स्टीरियोटाइप। जब हम ऐसे ही हम किसी को देख के सिर्फ धारणा बना लेते हैं ना चीज़ों की, लेकिन ठीक है, हम एक इमेज फिक्स कर लेते हैं। जैसे हम फॉरनर्स को देखते हैं, ठीक है, वो गोरा है और अजीब से कपड़े पहने हुए हैं, हम इंडिया गेट वगैरह पे जाते हैं तो वहाँ देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये तो बहुत इंटेलिजेंट होगा और इसको तो इसने तो बहुत पढ़ाई लिखाई की होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैंने बहुत सारे फोनर से बात की है और हम रहते भी हैं उनके साथ सम टाइम, जो विपश्यना में जाते हैं, तो वो इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं। दे आर जस्ट सम टाइम उन्होंने सिर्फ स्कूलिंग कंप्लीट की होती है, बट डिफरेंट एरियाज़ में होते हैं, तो हम एक धारणा बना लेते हैं। कई गाँव के लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि गाँव से है, इसको कहाँ ढंग से बोलना आता होगा, है ना। सो दिस इज द वे बॉयज आर एंड दिस इज द हाउ गर्ल्स आर, जब हम ये सोचते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती हैं, ठीक है। स्टेटमेंट वी हियर कॉन्स्टेंटली एक्सेप्ट विदाउट इवन थिंकिंग, बिना सोचे ही हम उन चीज़ों को मान लेते हैं कि अच्छा हाँ ऐसा होता होगा भाई, वी स्टार्ट बिलीविंग और हम बिलीव भी करना स्टार्ट कर देते हैं ऐसे ही। वी फिट ऑल बॉयज़ एंड ऑल गर्ल इन टू वन इमेज, और सभी बॉयज़ को और सभी गर्ल्स को एक इमेज में फिट कर देते हैं। एंड सीरियसली मैं बताती हूँ, मुझे मैं अपने से ही लगा लो इस चीज़ को लेके, मतलब मुझे पढ़ना बहुत 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 एक्सट्रीम लेवल पे पसंद है और मुझे किचन का काम जो है थोड़ा कम ही पसंद है, या फिर हॉस्टल में रही हूँ तो इसलिए ज़रा नहीं आता है। तो ऐसा होता है, इंटरेस्ट हमारे डिफरेंट हो सकते हैं। अब मेरी मेरा जो मेरे एक फ्रेंड हैं उनको कुकिंग इतनी ज़्यादा पसंद है, और मतलब डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि लड़का है लड़की है, तो हमें ना एक इमेज के अंदर किसी को फिट नहीं करना चाहिए, सबको फिट नहीं करना चाहिए। वेन वी फिक्स पीपल इन टू वन इमेज, जब हम लोगों को एक इमेज में फिक्स कर देते हैं, तो वी क्रिएट अ स्टीरियो टाइप। स्टीरियो टाइप स्टॉप अस फ्रॉम लुकिंग एट ईच पर्सन एज अ यूनिक इंडिविजुअल, हम उनको हम मतलब हर इंसान अपने आप में एक यूनिक है, ठीक है, उसकी अपनी स्पेशल क्वालिटी है। दे फिट लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन टू ओनली वन पैटर्न और टाइप्स। स्टीरियो टाइप अफेक्ट ऑल ऑफ अस एज दे प्रिवेंट अस फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग दैट वी माइट वॉन्ट टू डू। अभी देखो, पता है, मैं आपको समझाती हूँ, चलो फिर बात करेंगे, अभी चलो बता देती हूँ क्या होता है। जो हमारी जो मदर्स होती हैं, हमारी सिस्टर्स होती हैं जो घर पे काम करती हैं, और जो एक लेडी जॉब करती है बाहर जाके टीचर का काम करती है, तो आज भी सोसाइटी में क्या है कि जो जो होम मतलब होम मेकर है ना, जो घर पे काम कर रही है, खाना बना रही है, सब कुछ कर रही है, उसको इतना ज़्यादा अच्छे से वो मतलब ऐसा मानते हैं कि वो घर पे काम कर रही है, रोटी सब्जी बना रही है, तो वो इतना ज़्यादा स्पेशल नहीं है। लेकिन अगर कोई बाहर जाके जॉब कर रहा है, टीचिंग कर रहा है, वो ज़्यादा स्पेशल है। बट यहाँ पे अपना अपना इंटरेस्ट है, अगर किसी को खाना बनाना अच्छा लगता है, लोगों को केयर अच्छा करना लगता है, और किसी को बाहर जाकर पढ़ाना अच्छा लगता है, तो इट डिपेंड, सब लोगों का अपना अपना इंटरेस्ट है, लेकिन सभी लोग इक्वली ही इक्वल हैं, ठीक है, डिफरेंट है, इसीलिए हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये छोटी जॉब है, ये बड़ी जॉब है, ये ऐसा है वैसा है, ठीक है ना। राइट डाउन सम एग्जाम्पल ऑफ स्टीरियोटाइप्स सीइंग द फॉलोइंग वर्ड्स, जब आप इन वर्ड्स को देखते हो तो आपको दिमाग में क्या आता है। राइट फाइव फोर स्टीरियोटाइप्स अबाउट बॉयज एंड फोर स्टीरियोटाइप अबाउट द गर्ल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे राइट डाउन सम एग्जाम्पल ऑफ स्टीरियोटाइप सीइंग द फॉलोइंग वर्ड्स। वेस्टर्न क्लोथ्स, पीपल वियरिंग वेस्टर्न क्लोथ्स आर, क्या हमें लगता है कि जो कपड़े जो लोग बहुत ही ज़्यादा वेस्टर्न ऐसे कटे फटे टाइप ऑफ कपड़े पहनते हैं, जैसे आजकल तो सभी पहन लेते हैं, एंड बहुत बोल्ड वाले कपड़े पहनते हैं, तो हमें लगता है कि भाई बहुत रिच है, ठीक है। विलेजेस, पीपल फ्रॉम विलेज कैन नॉट स्पीक गुड इंग्लिश, है ना, ऐसे बोला जाता है कि जो गांव के लोग हैं वो ज़्यादा अच्छी इंग्लिश नहीं बोलते हैं, बट ऐसा नहीं है। बहुत मैं बताती हूँ, मेरे गांव में जब मैं बहुत छोटी थी ना, मुझे बिल्कुल मतलब बहुत ही यानी कि आपकी एज की थी, जितने आप हो ना, अभी 6th क्लास में ना, 6th 7th क्लास में थी, तो एक बैठक होती थी हमारे घर में, क्योंकि जो ताऊ जी थे वो सरपंच थे, तो
तो वहाँ पे एक बूढ़े से अंकल बैठते थे, मतलब वो मुझे बैठे हुए दिख जाते तो मैं दूर से ही भाग जाती थी, क्योंकि वो पकड़ के ऐसे बोलते थे, एक हिंदी का सेंटेंस बोलते थे और कहते थे कि इंग्लिश बनाओ इसकी। तो मुझे उनसे बड़ी चिढ़ थी बचपन में कि इनको इंग्लिश का क्या कीड़ा है, क्यों पूछते रहते हैं बार बार। तो ऐसा होता है, गाँव के लोगों को बहुत अच्छी इंग्लिश आती है। फॉरनर्स आर कंसिडर्ड टू बी वेरी एजुकेटेड, जो फॉरनर्स होते हैं उनको बहुत एजुकेटेड माना जाता है। देन क्वेश्चन नंबर टू, राइट फोर स्टीरियोटाइप अबाउट बॉयज़ एंड फोर स्टीरियोटाइप अबाउट गर्ल्स। फोर स्टीरियोटाइप अबाउट द जो बॉयज़ है, बॉयज़ कांट ग्रो लॉन्ग हेयर। ऐसा माना जाता है कि लड़कों को लंबे जो लंबे बाल नहीं करने चाहिए। बॉयज़ डोंट क्राई, बॉयज़ जो है रोते नहीं हैं। बॉयज़ कांट कुक, जो बॉयज़ हैं वो खाना नहीं बना सकते हैं। बॉयज़ डोंट लाइक ज्वेलरी, जो बॉयज़ हैं उनको ज्वेलरी पसंद नहीं। और मैंने देखा है लड़के मतलब बहुत कुछ पहनते हैं, मतलब उनकी ज्वेलरी थोड़ी डिफरेंट होती है, बट वो भी एक्सेसरीज ज्वेलरीज पहनते हैं, अभी तो कानों में बालियां भी पहनते हैं। फोर स्टीरियोटाइप अबाउट द गर्ल्स, ये आप अपनी मर्जी से भी कुछ लिख सकते हैं, मेरे दिमाग में यही आया तो मैंने लिख दिए। गर्ल्स डोंट प्ले रेसलिंग, गर्ल्स आर गुड कुक, ऐसा बोला जाता है, पर ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी, क्योंकि मैं बहुत ही वर्स्ट बैड भी होता है, बैड भी तो चलो काम चलता था कि बैड कुक, मैं वर्स्ट कुक हूँ। मतलब मैं मैगी भी इतना गंदा बना सकती हूँ, जिस जो मतलब एक बार खा लेगा तो ज़िंदगी में मैगी नहीं खाएगा, तब इतना बुरा हाल है मेरा। गर्ल शुड नो हाउस होल्ड वर्क नॉट स्टडीज़, बट मैं चाहती हूँ कि कभी मुझे लाइफ में जब मैं पढ़ के मतलब मुझे हो जाए कि हाँ पढ़ के बस हो गया, तब मैं मन से कुकिंग सीखूँ। तो इसलिए कहा जाता है कि अपने अपने इंटरेस्ट को फॉलो करना चाहिए। गर्ल्स आर बैड ड्राइवर, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि जो ड्राइवर्स होते हैं कार वगैरह ड्राइव करते हैं, तो उनको लड़कियों को माना जाता है कि वो अच्छा नहीं चलाती हैं। ठीक है, तो ये हमारी थी आज की वर्कशीट। तो टारगेट हम रख देते हैं 500 लाइक्स का, आपने जो पिछली वीडियो है उसका, तो 500 लाइक्स का हम रखते हैं टारगेट, एंड एक बड़े वाला टारगेट जो हमें अचीव करना है अक्टूबर मंथ में। हमारे पास सिर्फ 15 ही दिन है, तो हमें 100 के तक अचीव करना है, 70 के तो हम हो ही गए हैं। तो चलिए आज हम सेलिब्रेट करेंगे शाम को 70 के को, ओके कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट आल्सो। लेकिन आप 100 के तक पहुँचाने के लिए सिर्फ आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, तो वीडियोज़ को शेयर करना, लेकिन ऐसी जगह जहाँ पर इनका यूज़ हो। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।